वेलकम बैक फ्रेंड्स, 8051 की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम है। हमने दोस्तों लास्ट सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे GPIOs को एक्सेस करना, सर्वो मोटर्स को चलाना, स्टेपर मोटर को चलाना, या 16x2 LCD को चलाना, या GLCD को चलाना। हमने इन सारी चीज़ों की इंटरफेसिंग करी थी, किसमें? 8051 में। तो ये तो दोस्तों खाली बाहर के आउटपुट पोर्ट से हमने सिर्फ सिंपल सिंपल क्या करा था, एक्सेस करे थे ये सारे पोर्ट, और हमने इन पोर्टों की हेल्प से क्या करा था, अपने हार्डवेयर्स को एक्सेस करा था और उनको चलाया था। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं टाइमर का, जो कि टाइमर क्या है, एक 8051 के अंदर ही एक अपना एक रजिस्टर है जिसको हमें एक्सेस करना है, कैसे चलता है, कैसे उसको हम एक्सेस करेंगे, कैसे उसको हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। तो हम आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है हमारा इंटरनल रजिस्टर का वो है टाइमर, और सेकंड जो है वो टाइमर एज काउंटर। तो दोस्तों 8051 हमें पता है हमने अभी तक कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चला रहे थे, हम इसको 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चला रहे थे। क्यों चला रहे थे, आज तक कभी सोचा? नहीं सोचा। तो दोस्तों आज हम इस चीज के बारे में भी बताएंगे कि 12 मेगाहर्ट्ज ही हम क्यों इसको ऑपरेट करा रहे थे। सो हम यहाँ देखेंगे कि हमने 12 मेगाहर्ट्ज ही क्यों लिया था इसके अंदर, 8051 के अंदर 12 मेगाहर्ट्ज से कम क्यों नहीं लिया। सो दोस्तों 8051 के अंदर अपने अंदर एक खास खूबी है कि जो ये ऑपरेट होता है, जो ये टाइमर है, जो 8051 की टाइमर क्लॉक है, या इंटरनल जो भी आपका जो टाइमर वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है कि जो भी हम बाहर से ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी देते हैं वो अंदर क्या होती है, डिवाइडेड बाय 12 हो जाती है, और फिर उसके बाद सारे फंक्शन ब्लॉक्स काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका जैसे आपने 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी, देन डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 1 मेगाहर्ट्ज की। तो सारी जो टिक है, यानी एक माइक्रो सेकेंड में आपका एक टास्क एग्जीक्यूट होगा, यानी जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, और उससे जो टाइम निकल के आता है एक एक पल्स का और एक एक टिक का, या एक एक एग्जीक्यूशन का, या एक एक आप कह लीजिए एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए, या एक एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 माइक्रो सेकेंड, जो कि एग्जैक्टली हमारा क्या कहता है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कहता है कि वो एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 1 माइक्रो सेकेंड। सो हमने यहाँ पर ये 12 लिया हुआ है। इसीलिए फ्रेंड्स इसकी कैपेसिटी और ज्यादा भी है, अराउंड इसके पास 30 मेगाहर्ट्ज तक हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली क्या करते हैं, 11.0592 यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, आगे जब हम एक और इंटरनल रजिस्टर होता है, UART रजिस्टर है, जो कि एक मेथड है कम्युनिकेशन कराने का, UART, तो हम उसको तब बताएंगे कि 11.0592 हमने क्यों लिया, क्यों 12 मेगाहर्ट्ज पर वो सही काम नहीं करता। तो अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे टाइमर देखने जा रहे हैं कि टाइमर कैसे वर्क कर रहा है। तो टाइमर क्या है, जो भी हमने ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी जो बाहर दी है वो डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगी। तो हमने कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए क्या किया है, बाहर 12 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर लगा रखा है। तो जो हमारे पास टाइमर को जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो कितनी जा रही है, सिर्फ 1 मेगाहर्ट्ज। तो दोस्तों 8051 के अंदर सिर्फ हमारे पास दो टाइमर हैं, वही टाइमर एज अ काउंटर काम करते हैं, जो कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल ऑसिलेटर पे, जो कि डिवाइडेड बाय 12 होकर हमारे टाइमर को मिलती है। तो हमारी क्लॉक को जो भी काम करना होता है वो उसी पल्स के थ्रू काम करती है, यानी एक टिक कितने का होता है उसका, 1 माइक्रोसेकंड का। सो अब हम इसमें से क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली और हमने टाइम भी निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो टाइमर के इंटरनल रजिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक है टीकॉन रजिस्टर, सबसे पहला रजिस्टर है टीकॉन। टी मीन्स टाइमर, कॉन मीन्स कंट्रोल, तो टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। तो दोस्तों यहाँ देखिए IT0, IE0, TR0, TF0, यानी टाइमर 0, और IE1, ITI1 और TF1 और TR1, ये टाइमर 1 के लिए हो गए। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ हमारे पास दो ही टाइमर है, टाइमर 0 और टाइमर 1। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं कि TF0 क्या है और TF1 क्या है। तो देखिए यहाँ पर TF1 है और यहाँ पर आपका TF0 है, ये 7 बिट और 5 बिट
TF0, TF1, दोनों क्या बताती हैं? टाइम ओवरफ्लो, यानी जो हमारा टाइमर है वो चल रहा है। कितने बिट का टाइमर है? मान लीजिए 8 बिट का टाइमर है, तो 8 बिट के लिए कहां तक वैल्यू जाएगी? 0 to 255। जैसे ही आपका 255 के ऊपर रोल ऑन होगा, यानी 256 काउंट करेगा, फौरन क्या होगा, ये फ्लैग हाई हो जाएगा। और जैसे ये फ्लैग हाई होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो TF1 में फ्लैग पे 1 आ जाएगी। और फिर हम इसको जीरो करते हैं, कैसे करेंगे वो अभी हम प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो ये TF0 TF1 क्या बताता है हमें? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का ये फ्लैग है। TR0 यानी रन कंट्रोल बिट, यानी हमें टाइमर चलाना है या रोकना है। तो TR0 या TR1 में अगर हम 1 सेट करते हैं तो टाइमर हमारा क्या होता है? इनिशिएट हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो टाइमर हमारा वहीं स्टॉप हो जाता है। सो IE0 और IE1 देखते हैं, तो ये क्या है? एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल फ्लैग, जो जो कि हम काउंटर्स में यूज करते हैं, यानी बाहर से कोई हम इंटरप्ट जनरेट करेंगे तो वो इस इंटरप्ट पिन को हाई और लो करता है। ITI0 और ITI1, और ये है एक्सटर्नल इंटरप्ट ट्रिगर टाइप, के कौन सा ये ट्रिगर टाइप लेंगे, यानी फॉलिंग एज लेंगे या लो लेवल इंटरप्ट लेंगे। तो हम यहाँ पर 1 और 0 करके इसको सेट करते हैं। तो दोस्तों ये तो था टी कॉम रजिस्टर। अब आ जाता है टी मोड रजिस्टर, टाइमर मोड रजिस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 8 बिट का एक रजिस्टर है, जिसको हम इंटरनली कैसे डिवाइडेड है ये टाइमर 0 और टाइमर 1 में। सो फ्रेंड्स, टाइमर 0 देख लो या टाइमर 1 देख लो, बात एक ही है, दोनों में सेम चीज है। तो हम टाइमर 0 को ही देख लेते हैं। देखिए M0 और M1 ये क्या है? मोड सेलेक्ट करने के लिए, कि आपको ये जो टाइमर है किस मोड में ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे 4 मोड हैं। अगर अगर M0 और M1 00 है तो टाइमर किस फॉर्म में चलता है? 13 बिट में। इफ M01 है और M10 है तो 16 बिट में, और M1 है और M00 है तो 2 बिट, यानी 8 बिट रीलोड मोड में। और आपका अगर दोनों हाई है तो 3 स्प्लिट मोड टाइमर। तो दोस्तों चलते कैसे हैं ये देखिए। जो आपका मोड 0 है उसमें क्या होता है, आपके पास 2 रजिस्टर हैं, THX और TLX। तो THX क्या है यहाँ पर? 0 या 1, यानी टाइमर 0 के लिए एक अदर बिट है या TH1 के लिए अलग बिट दे रखी है। तो ये आपके 8-8 बिट के दोनों रजिस्टर हैं। तो होता क्या है कि TH0 8H में, यानी हाई वाला जो है उसमें 8 बिट आपकी स्टोर होती है, और TL0 में लास्ट की 5 बिट्स, 16 बिट, जो कि हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं मोड 0 को। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 16 बिट मोड और 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। थर्ड भी हम यूज नहीं करते, थर्ड हम ज्यादातर यूज करते हैं वॉच डॉग टाइमर में। इसमें होता क्या है कि दोनों जो अल्टरनेट आपके रजिस्टर्स हैं हाई और लो, दोनों में एक साथ वैल्यूज काउंट अप होती है। सो इसका भी हम यहाँ पर यूज नहीं करते। तो सिर्फ हम यहाँ पर मोड 1 और मोड 2 ही देखेंगे कि 16 बिट कैसे काम करता है और 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। तो 16 बिट में होता क्या है फ्रेंड्स, जो आपकी जो THX और TLX, यानी TL0 और TH0 में 16 बिट वैल्यूज जाती है, जो कि आपकी 65535 पर तक, यहाँ तक आपका ये काउंट करेगा। जैसे 2 की पावर 16 कहाँ तक जाएगा कैलकुलेट करिए, तो वहां तक ये आपका काउंट करता है 65535 35 तक, सॉरी। और 8 बिट कहाँ तक काम करता है आपका? 255 तक। तो हम अब जो प्रोग्रामिंग देखेंगे वो किसकी देखेंगे? 8 बिट ऑटो रीलोड मोड। इसमें होता क्या है फ्रेंड, जो हम HX में वैल्यू डालते हैं, जो भी हमें HX में वैल्यू डालेंगे वो क्या होता है, जैसे ही आपका फ्लैग हाई होता है फौरन ये वैल्यू जो होती है आपकी हाई वाली वो क्या हो जाती है? लो में पहुंच जाती है, और लो वहीं से फिर वो काउंट करने लगता है। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि हम किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h लेंगे, और वॉइड मेन के अंदर हमने अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। व्हाइल 1 के अंदर पोर्ट 3 को 00 कर दिया,
फिर एक डिले दिया हमने 1 सेकंड का, डिले एस, यानी मैंने एक इंटरनल डिले बनाया है अपने पास से, डिले एस यानी 1 सेकंड का डिले, और इसको पोर्ट को फिर से मैंने इसको क्लोज किया, टर्मिनेट किया यहाँ पे, और पोर्ट 3 पे 1 मैंने सेंड कर दिया, या हम देख सकते हैं इसको FF कर देते हैं, तो पूरा पोर्ट मेरा हाई हो जाएगा, और फिर से मैंने 1 सेकंड का डिले छोड़ दिया, फिर हमने इसको कंटिन्यू इसी लूप में चला लिया। तो फ्रेंड्स जैसे ही मेरा ये डिले एस में जाएगा, यहाँ से जंप करके अपने इस डिले एस में आएगा, तो देखिए मैंने करा क्या है, सबसे पहले मैंने टी मोड रजिस्टर को सेट किया है। टी मोड क्या बताया था मैंने अभी आपको, टाइमर मोड रजिस्टर है, और मैं कौन सा टाइमर ले रहा हूँ यहाँ पर, 0 टाइमर, देखिए टाइमर 0, इसको मैंने कुछ नहीं करा, ये 0 रखा है पूरा, और यहाँ पर ये क्या रखा है, टाइमर 0, देखिए T00 होगा तो क्या टाइमर की तरह काउंट करेगा, और अगर मैं यहाँ पर इस जगह 1 पुट करूंगा तो ये 1 काउंट करेगा, और अगर मैं गेट पर यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये एक्सटर्नली इनेबल्ड होगा, यानी जो बाहर हार्डवेयर के थ्रू अगर मैं हाई लो दूंगा तो वहां से ये फिर मेरा टाइमर स्टार्ट होगा, और अगर मैं यहीं से इंटरनली 0 दूंगा तो ये इंटरनली टाइमर जो होगा वो मेरा सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होगा। तो मोड 1 और मोड 0 मैंने कौन सा रखा है, 2, यानी मेरे पास 8 बिट ऑटो रिलोड मोड है। तो फ्रेंड्स फिर देखते हैं हम उसको, अब मैंने क्या किया, एक लूप चलाया है 4000 टाइम्स तक, क्यों चलाया है अभी हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर TH0 में मैंने क्या रखा है, 0 0, इसको मैं कर देता हूँ 6, यानी जो मेरे पास TH0 में 6 वैल्यू है, ये क्या होगा, जैसे ही मेरा टाइमर रोल ऑन होगा वो क्या हो जाएगा, उसी वैल्यू पे अटेन कर जाएगा। TR0 यानी मैंने टाइमर 0 को रन किया, और मैंने फ्लैग को क्या किया, 0 0 चेक किया कि मेरा टाइमर 0 0 हुआ, जैसे ही मेरा टाइमर 0 0 नहीं रहेगा, जैसे उस पर फ्लैग बिट आएगी 1, तो मैं टाइमर को क्या कर रहा हूँ, अपने टाइमर को रोक रहा हूँ, और TF0 को क्या कर रहा हूँ, फिर से उसको 0 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूँ, TF=0 0। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर ये टाइम कैसे निकाला कि मुझे 4000 टाइम्स चलाना है, और ये कितना 1 सेकंड का डिले कैसे मुझे देगा। तो हमने किस तरीके से इसको निकाला कि हमें यहाँ पर 4000 टाइम्स ही चलाना है, और यहाँ पर TL0 में 6 वैल्यू पुट करनी है, तो किस तरीके से हमने इसको निकाला, अब हम यहाँ पर ये चीज देखेंगे। सो सबसे पहले हमने देखा कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, 1 MHz की फ्रीक्वेंसी है, जिसका टाइम कितना है, 0.0000, और देखा जाए बेसिकली क्या है, जो कि हमारा एक टिक का टाइम आ रहा है वो 1 माइक्रो सेकेंड्स में आ रहा है। तो हमें कितने माइक्रो सेकेंड्स चाहिए 1 सेकेंड बनाने के लिए, टेल मी, सो बताइए कितने माइक्रो सेकेंड्स चाहिए, कितने माइक्रो सेकेंड्स चाहिए, 10 to the power 6 माइक्रो सेकेंड्स, जो कि आपका 1 सेकेंड बनाएंगे। तो अब हमें जो टाइमर है उसको अंदर इतनी वैल्यूज डालनी है कि वो टाइमर कितने बार रोल ऑन करेगा, इतने टाइम्स, यानी 1, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1 लाख बार वो रोल ऑफ होगा। तो हम उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पता है कि 8 बिट में 2 की पावर 8 कहाँ तक वैल्यूज जाएगी, 255 तक। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या काउंट कर सकते हैं, एक बार में हम कितने काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए 250 250 काउंट कराएंगे तो हमें कितने सेकंड्स मिलेंगे, 250 माइक्रो सेकेंड, और 250 माइक्रो सेकेंड्स को अगर आप 4000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख माइक्रो सेकेंड्स, जो कि आपके किसके बराबर होते हैं, 1 सेकंड के बराबर होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर निकाला कि हमें कितना काउंट कराना है, 250 माइक्रो सेकेंड्स काउंट कराना है, तो 256, 2 की पावर 8 यानी 256 माइनस 250, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 6, जो कि आप टाइमर में कितनी वैल्यू डालेंगे, 6 वैल्यू डालेंगे, तो वो कहाँ तक काउंट करेगा, 250 तक काउंट करेगा, क्योंकि
क्योंकि 6 डालने के बाद वो कहाँ से काउंट करेगा, 7, 8, 9, 10, और जैसे ही वो कहाँ पहुंचेगा, 255 पर पहुंचेगा, तो वो कितना काउंट कर चुका होगा, 249। और जैसे ही वो अगली बिट काउंट करेगा यानी 250 काउंट करेगा, तो आपका क्या होगा, इंटरप्ट फ्लैग हाई होगा। तो वो सारा जो काम है वो कितने सेकंड्स में हुआ, सिर्फ 250 माइक्रो सेकेंड। तो 250 माइक्रो सेकेंड को आप 4000 बार चलाओगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, सेम 1 लाख आ जाएगा। तो जो आपको कितना देगा आपको आउटपुट, 1 माइक्रो सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड का आपको डिले देगा। तो अब हमने ये बना लिया है इसी टाइप से, तो अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के बाद प्रोटियस पे हम इसको फिर से चेक करते हैं। तो देखिए ये एक एलईडी है, पोर्ट 3 से मैंने इसको लगाया हुआ है, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए प्रॉपर 1 सेकंड का डिले आएगा। अब हम इस डिले को कैसे चेक करेंगे, सेम यहाँ पर ये आपका इंस्ट्रूमेंट्स में से ऑसिलोस्कोप उठाया और मैंने एक पिन से इसको अटैच किया, और मैं इसको डीबग में जाके डिजिटल ऑसिलोस्कोप में देखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी एक पल्स जा रही है जो कि मैंने अपने ऑसिलोस्कोप को लगाया है। तो मैं इसको सबसे पहले वन शॉट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वन शॉट किया और मैंने इसको कर्सर पे क्लिक कर लिया, तो अब मैं देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ ये मैंने इसको फिक्स किया, ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 सेकंड। और 0 सेकंड से मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ, सेम इसके थोड़ा सा इसमें एरर आ जाता है माइक, सो सिमिलर सिमिलर 1 सेकंड का ये मेरे पास डिले आ रहा है। तो इसमें ऑसिलोस्कोप में थोड़ा सा एरर रहता है कि हम अपने जो कर्सर है उसको फिक्स नहीं कर पाते। और मैं देखिए इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, तो ये देखिए, तो 1 सेकंड का ये हमारे पास डिले आ रहा है प्रॉपर। सो इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये हमारा टाइमर काम करता है। सो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टाइमर एज अ काउंटर, टाइमर को हम काउंटर की तरह किस तरीके से यूज करेंगे। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने किस तरीके से टाइमर को यूज किया 8 बिट के लिए। अगर हम इसको 16 बिट में यूज करते तो हम यहाँ पर क्या करते, सेम 65535 में से हम कितना माइनस करते, 50,000 माइनस करते, फिर हमें वैल्यू पता लगती कि हमें कितनी वैल्यू डालनी है जो कि हमारा सिर्फ 50,000 माइक्रो सेकेंड्स काउंट करने के काम में आता। और 50,000 माइक्रो सेकेंड्स को अगर हम कितनी बार चलाते, 20 बार चलाते, तो सिर्फ हमारे पास क्या मिलता, 1,000 मिली सेकेंड का मिल जाता। और 1,000 मिली सेकेंड को हम 1 सेकेंड भी कह सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारा टाइमर एक प्रॉपर डिले प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर हमने क्या यूज करे थे, डिले फंक्शंस बना बना के, जो कि हम क्या करते थे, सिर्फ एक लूप बना देते थे और वो क्या करता था काउंट करता रहता था, तो वो एक अनप्रॉपर डिले था। यहाँ पर एक एग्जैक्ट डिले हम किस तरीके से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइमर। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए काउंटर्स भी लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।